एक बेसिक बेरी नॉट के लिए जिसे स्क्वायर नॉट बटन और बटन नॉट भी कहते हैं। एक बेसिक बेरी नॉट के लिए हमें 4 स्ट्रैंड्स चाहिए, इसीलिए लार्क्स हेड नॉट बनाना शुरू करें। 4 स्ट्रैंड्स के लिए हमें ऐसे 2 लार्क्स हेड नॉट्स बनाना होगा। अन्य उपयोगी डिटेल्स और लार्क्स हेड नॉट को सबसे जल्दी बनाने के तरीकों के लिए ऊपर के आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। बीच के दोनों स्ट्रैंड्स फिलर कॉर्ड्स हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। काम करते वक्त इन्हें एक ही कॉर्ड समझें और बाहरी दोनों स्ट्रैंड्स को वर्किंग कॉर्ड्स। बेरी नॉट के लिए पहले हमें एक स्क्वायर नॉट बनाना होगा, जिसे स्टार्ट करने के लिए किसी भी साइड का वर्किंग कॉर्ड ले सकते हैं। मैं राइट से स्टार्ट कर रही हूँ। कुछ इस तरह से बनाएं जो नंबर 4 के समान हो। लेफ्ट वर्किंग कॉर्ड को 4 के निचले हिस्से के ऊपर रखें, फिर साथ में रहने वाले बीच के दोनों फिलर कॉर्ड्स के नीचे से होते हुए राइट साइड में बने लूप से बाहर निकाल दें। टाइटली पुल करें और एक साथ सिक्योर कर दें। पर याद से ऊपर ज़्यादा स्पेस छोड़ें, इसका कारण कुछ ही टाइम में पता चलेगा। ये स्क्वायर नॉट का आधा हिस्सा है। दूसरे आधे भाग के लिए सेम चीज़ दूसरे लेफ्ट साइड में दोहराएं। अब लेफ्ट वर्किंग कॉर्ड को नंबर 4 में सेट करें और राइट वर्किंग कॉर्ड के नीचे से ले जाएं। सेम यही राइट वर्किंग कॉर्ड फिलर कॉर्ड्स के नीचे से होते हुए लेफ्ट साइड में बने लूप से बाहर निकाल दें और टाइटली सिक्योर करें। अब ये एक कंप्लीट स्क्वायर नॉट है। इसी तरह ऐसे और 2 स्क्वायर नॉट्स बनाएं। जिसे दरअसल सिनेट कहते हैं। जैसे ये 3 स्क्वायर नॉट्स का सिनेट है। बीच के ये 2 फिलर कॉर्ड्स लें और ऊपर के सेंट्रल गैप में पुश कर दें। इसीलिए पहले यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ने को कहा था, जिससे आराम से इस गैप से निकल जाए। एक बार दूसरे तरफ क्लियरली पास होने पर कॉर्ड्स को टाइटली पुल करें। इस बेरी नॉट के नीचे और एक स्क्वायर नॉट से इसे सिक्योर कर दें। और तैयार है आपका ये कंप्लीट बेरी नॉट। सेकंड मेथड में यहाँ पहले एक स्क्वायर नॉट बन जाने के बाद पहले की तरह ऊपर में स्पेस छोड़ने के बजाय दूसरे स्क्वायर नॉट के पहले यानी फर्स्ट और सेकंड के बीच में गैप छोड़ें। सेम पहले मेथड की तरह यहाँ भी अब 3 स्क्वायर नॉट्स का एक सिनेट बनाएं, पर पहले मेथड की तरह बीच के दोनों फिलर कॉर्ड्स यूज नहीं करेंगे। यहाँ एक साइड का फिलर और वर्किंग कॉर्ड, ये दोनों को दोनों तरफ के साइड गैप्स में पुश करें, ना कि पहले की तरह सिर्फ बीच के गैप में। दूसरे साइड से एंड्स को पुल करने पर नीचे से एक सिंपल स्क्वायर नॉट से सिक्योर कर दें। सेम इसी मेथड में ही कभी कभार अगर गैप ज्यादा छोटा हो, जिसे एंड्स को पुश करना मुश्किल हो जाए, तब ऐसा कुछ पॉइंटेड टूल जैसे ये क्रोशे हुक यूजफुल होगा। सेम फिलर और वर्किंग कॉर्ड्स को साइड गैप्स में डालने के लिए नीचे से इस क्रोशे हुक को गैप में डालें और कॉर्ड्स को पुल करें। सेम चीज रिपीट करें दूसरे साइड के अन्य कॉर्ड्स के लिए भी।
सारे कॉर्ड्स को टाइटन करें और आपका बेरी नॉट ऑलमोस्ट रेडी। एज यूजुअल एंड को एक स्क्वायर नॉट से सिक्योर कर दें। सेम मेथड में दूसरा अल्टरनेटिव है, सिर्फ बीच के मिडिल फिलर कॉर्ड्स यूज करें, ना के पिछले की तरह फिलर और वर्किंग कॉर्ड्स। सेम क्रोशे हुक यूज करें इन फिलर कॉर्ड्स को साइड गैप्स में डालने के लिए। कॉर्ड्स पुल करें और स्क्वायर नॉट से सिक्योर कर दें। यही सेम मेथड में एक और पर फाइनल अल्टरनेटिव है, यही सेम बीच के फिलर कॉर्ड्स यूज करना है, पर पिछले की तरह साइड गैप्स के थ्रू नहीं, बल्कि सिर्फ सेंटर गैप से ही। कॉर्ड्स टाइटन करें और एक यूजुअल स्क्वायर नॉट से सिक्योर कर दें। चले देखें इन चारों मेथड्स या अल्टरनेटिव्स का एक समरी। पहले वाले में बीच के दोनों फिलर कॉर्ड्स को सेंटर गैप में डालें, दूसरे में एक फिलर और एक वर्किंग कॉर्ड को अपने साइड के गैप्स में डालें, तीसरे में एक फिलर कॉर्ड उसी साइड के गैप में डालें, चौथे में बीच के दोनों फिलर कॉर्ड्स सेंटर गैप में डालें। Thank you for watching. Stay home, stay safe.